वेलकम टू स्टडी आइकॉन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेक्चर 2 ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी और से सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स व्हिच कंप्लीटली बेस्ड ऑन पास्ट ईयर एसएससी एग्जामिनेशंस एंड जितने भी इसमें से वोकैब है और जिस वे में पूछा गया, अगर किसी वोकैब का सिनोनिम पूछा गया तो उसको वैसे ही प्रेजेंट करा गया आपके सामने, अगर उसका एंटोनिम पूछा गया तो उसको भी वैसे ही रखा गया, इवन ऑप्शंस तक हमने बिल्कुल सेम रखे हैं, ठीक है। तो उसमें भी हमने कुछ भी नहीं करा है, मतलब ऑप्शंस है, वोकैब सब सेम है इसमें, ओके। एंड ये लेक्चर 2 है, अगर आपने लेक्चर 1 मिस किया है तो आप उसको देख सकते हैं, ये ऊपर एक एनोटेशन आ रहा होगा आपके सामने, आप वहां पे लेक्चर 1 देख सकते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट वर्ड इज एग्जास्पोरेटिंग, इसका एंटोनिम पूछा गया था एसएससी सीजर में, इसके ऑप्शन थे सूदिंग, सक्सेसफुल, अनोइंग, डिस्ट्रेसिंग। तो सबसे पहले हम इस वोकैब का जो जिसका एंटोनिम पूछा गया उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर जो ऑप्शंस दिए गए हैं फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे कि ऑप्शंस किस वे में दिए गए हैं, ठीक है, और इसका मीन क्या होता है। तो देखिए, एग्जास्पोरेटिंग मीन होता है एक्सट्रीमली अनोइंग, मतलब जो बहुत ही ज्यादा तंग करने वाला होता है, तंग करने वाला मतलब बहुत ज्यादा परेशान करने वाला, तो उसको बोलते हैं हम अनोइंग, ठीक है। तो एक्सट्रीमली अनोइंग मतलब बहुत ज्यादा तंग करने वाला, तो एग्जास्पोरेटिंग मीन्स यही होता है, तंग करने वाला। इसके सिनोनिम्स होते हैं इन्फ्यूरेटिंग, इन्फ्यूरेटिंग मींस क्या होता है, इन्फ्यूरेटिंग, देखिए यहाँ पे लिखा है एग्जास्पोरेटिंग इसलिए हमने यूज किया इन्फ्यूरेटिंग, अगर यहाँ पे लिखा होता है एग्जास्पोरेट तो हम यूज करते हैं इन्फ्यूरिएट, यानी INFURIATE, ठीक है, इन्फ्यूरेट। इन्फ्यूरेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, अनोइंग, इन्फ्यूरेटिंग मीन्स होता है कष्ट देने वाला, ठीक है, जो बहुत ही परेशान करता है उसको बोलते हैं इन्फ्यूरेटिंग, ठीक है। फ्रस्ट्रेटिंग, अनोइंग, अनोइंग मतलब क्या होता है, तंग करने वाला, परेशान करने वाला, इन तीनों का एक ही मीन है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट सिनोनिम इसमें पूछा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सिनोनिम जो बनता है जिसपे वोकैब का पूछा सकता है वो है इन्फ्यूरेटिंग, मींस अब अगर एसएससी सीजन में इस पे क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा इन्फ्यूरेटिंग पे, वो पूछेंगे इन्फ्यूरेटिंग का सिनोनिम बताओ, तो इन्फ्यूरेटिंग के सिनोनिम से हो सकता है अनोइंग लिखाओ, फ्रस्ट्रेटिंग लिखाओ, तो अब आपको समय आ जाएगा का कि इन्फ्यूरेटिंग मींस क्या होता है, अनोइंग मतलब जो परेशान करता है, जो आपको कष्ट देता है, ठीक है। एंटोनिम्स होते हैं कामिंग, सूदिंग, इंपॉर्टेंट सिनोनिम है सूदिंग, ठीक है। सूदिंग मतलब क्या होता है, जो प्रसन्न करता है, जो आपको खुश करता है, जो शांत रहता है, वहां पे हम यूज करते हैं सूदिंग, ठीक है। एग्जाम्पल है द एग्जास्परेटेड टीचर, मतलब यहाँ पे वह हताश टीचर, परेशान टीचर, यहाँ पे परेशान करने वाला टीचर नहीं है, यहाँ पे परेशान हुआ वाला टीचर है। देखिए यहाँ पे लिखा था एग्जास्परेटिंग, ठीक है, यहाँ पे लिखा एग्जास्परेटिंग मतलब ये हुआ है, ठीक है। तो हताश टीचर, द एग्जास्परेटेड टीचर आस्क द प्रिंसिपल टू सस्पेंड अ नॉटी स्टूडेंट, मतलब ये हताश टीचर ने प्रिंसिपल से नॉटी शरारती स्टूडेंट को सस्पेंड करने के लिए पूछा, ठीक है। तो ये एग्जास्परेटेड टीचर मतलब क्या हुआ, हताश टीचर। टिप है इसकी, एक्स्ट्रा सेपरेशन रखनी पड़ती है अनोइंग लोगों से। देखिए यहाँ पे लिखा है EXAS, जैसे आप इसका प्रोनाउंसिएट करते हैं एग्जास तो हम बोलते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, EX से क्या हो गया एक्स्ट्रा, एंड फिर लिखा एग्जास, एग्जास्पोरेटिंग मतलब सेपरेटिंग, देखिए यहाँ पे लिखा क्या है सेपरेटिंग, तो मतलब एक्स्ट्रा सेपरेशन रखनी पड़ती है। तो एक्स्ट्रा सेपरेशन किससे रखते हैं आप, बहुत ज्यादा दूरी किससे बना के रखते हैं, जो आपको परेशान करता है, तो एक्स्ट्रा सेपरेशन रखनी पड़ती है अनोइंग लोगों से, ओके। सेकेंड इज इमेसिएटेड, इमेसिएटेड का एंटोनिम पूछा गया था, चार ऑप्शन थे हेल्दी, लग्जीरियस, इंटेलिजेंट, सिंपैथेटिक। सो अब हेल्दी मीन्स क्या होता है, जिसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लग्जीरियस कौन होते हैं जिनकी लाइफ बहुत ही प्लेजेंट होती है, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, सिंपैथेटिक दया करने वाले। सो इमेसिएटेड का एंटोनिम होगा क्या, इमेसिएटेड मींस होता है थिन एंड वीक, मतलब पतले और कमजोर, जो लोग पतले और कमजोर होते हैं उनके लिए हम इमेसिएटेड वर्ड का यूज करते हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं लीन, वीक, फ्रेल, फीबल, जिसमें फ्रेल एंड फीवर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको किसी भी एग्जाम में मिल सकते हैं, एंड फीबल का यूज तो हर न्यूज़पेपर में होता है, तो फीबल हम किसके लिए यूज करते हैं, थिन एंड वीक चीजों के लिए, थिन एंड वीक पर्सन के लिए। तो फीबल को आप लर्न कैसे कर सकते हैं, फीबल यहाँ पे क्या आ रहा है, बल आ रहा है, बल आप किसके लिए यूज करते हैं, मतलब बल बढ़ाने के लिए फीस देना, बल बढ़ाने के लिए फीस कहाँ दी जाती है, जिम में दी जाती है, ठीक है। तो जिम कौन लोग जाते हैं, वीक लोग जाते हैं, जिनको अपना बल बढ़ाना होता है, ठीक है। तो फीबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, अब ये आपको याद रहेगा कि फीबल, जैसे आप सुनेंगे बल, यानी बल किसको बढ़ाना था, वीक लोगों को बढ़ाना था, ठीक है। एंटोनिम्स आर हेल्दी, फैट, हैवी, थिक। हेल्दी के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई वर्ड आता है वो होता है थिक, क्योंकि यहाँ पे हेल्दी आ चुका है, तो उसके बाद आता है थिक, ठीक है। तो इमेसिएटेड का एंटोनिम क्या है, थिक। एग्जाम्पल इज ही लुक्ड इमेसिएटेड ईटिंग ओनली एन एप्पल फॉर ईच डे टू सर्वाइव, हर दिन सर्वाइव करने के लिए एक एप्पल खाने से वो क्या कमजोर दिखता था, ओके।
थर्ड इज एबरेशन, एबरेशन का एंटोनिम पूछा गया था, चार ऑप्शन है, रेगुलरिटी, कॉमनलिटी, पर्टिकुलरिटी एंड नॉर्मलिटी। ठीक है, रेगुलरिटी मीन्स क्या होता है, जो चीजें लगातार होती रहती है। कॉमनलिटी मीन्स क्या होता है, कोई चीज कॉमन होती है, कोई चीज समान होती है। पर्टिकुलरिटी मीन्स क्या होता है, कोई विशेष चीज, कोई पर्टिकुलर चीज। एंड नॉर्मलिटी मीन्स क्या होता है, कोई सामान्य चीज है। ठीक है, अब इसका एब्रेशन मीन्स होता है क्या, एब्रेशन मीन्स होता है एन एक्शन और फैक्ट दैट इज अनयूजुअल और अनएक्सेप्टेबल। मतलब ऐसा एक्शन है, ऐसा फैक्ट जो अनयूजुअल हो, मतलब जो सामान्य से हटकर हो, या फिर अनएक्सेप्टेबल हो, या फिर जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो चीजें हो, तो वहां पे एबरेशन वर्ड का यूज करते हैं। सिनोनिम होते हैं डेविएशन, इररेगुलरिटी, डिल्यूजन, फॉल्ट। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, एक है इररेगुलरिटी और एक है फॉल्ट। ठीक है, फॉल मतलब जिस जब किसी चीज का डिक्लाइन होता है, वहां भी एब्रेशन वोकैब का यूज होता है। आप मेरी वोकैब की वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं आपको हर वोकैब के दो मीन बताता हूं, तो यहाँ पे भी दो मीन है एब्रेशन के। एब्रेशन का एक मीन क्या है, जब कोई चीज अनयूजल होती है, कोई चीज सामान्य से हटकर होती है। एंड सेकेंड, जब कोई चीज फॉल होती है, मतलब किसी चीज में कोई गिरावट होती है, तो वहां भी एब्रेशन वर्ड का यूज करते हैं। एंटोनिम्स आर नॉर्मलिटी, कॉन्फॉर्मिटी, एकॉर्ड। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं, पहला तो नॉर्मलिटी एक है, दूसरा कॉन्फॉर्मिटी। ठीक है, तो नॉर्मलिटी तो पूछा ही गया था, तो एब्रेशन का यहाँ पे आंसर क्या होगा, नॉर्मलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल इज अ पर्सन विद वन ब्लू आई एंड वन ग्रीन आई सेड टू हैव अ जेनेटिक एब्रेशन। मतलब एक पर्सन जिसकी ब्लू आई, एक मतलब नीली आंखें और एक ग्रीन आई, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक नीली आंखें एक ग्रीन आई है। तो मतलब हम कहते हैं कि सेट टू हैव अ जेनेटिक एब्रेशन, मतलब इसकी जेनेटिक प्रॉब्लम है या फिर जेनेटिक अनयूजुअल चीज है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मेमोरी टिप इज अब राशन कार्ड पे पिक अनयूजुअल होती है। ठीक है, राशन हम यहाँ पे रेशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब रेशन हम यहाँ पे रेशन बोल रहे हैं राशन को। अब राशन कार्ड पे पिक अनयूजुअल होती है, तो देखिए अब और फिर क्या लिखे, आप इसको बोलते हैं एब्रेशन। मतलब अब राशन कार्ड पे पिक अनयूजुअल होती है, मतलब अनयूजुअल मतलब सामान्य से हटकर होती है, तो इससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। फोर्थ इज एफेबल, एफेबल का एंटोनिम पूछा गया था, चार ऑप्शंस, प्लेजेंट, सर्ली, वीक, अनोन। प्लेजेंट को खुशी से रिलेट कर सकते हैं, सर्ली को हम रिलेट करते हैं, सर्ली मीन्स होता है रूड पीपल्स। ठीक है, मतलब जो बहुत ही रूड पीपल्स होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं सर्ली वर्ड। थर्ड होता है वीक, कमजोर, और फोर्थ अनोन, जिसको आप नहीं जानते, जिस चीज को आप नहीं जानते उसके लिए अनोन वर्ड का यूज करते हैं। तो एफेबल मीन्स होता है क्या, एफेबल को हम एज एन एग्जेक्टिव यूज करते हैं। ठीक है, और इसका मतलब होता है फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक, मतलब मिलनसार लोग। ठीक है, फ्रेंडली मतलब जो मतलब आपसे हमेशा फ्रेंडली बिहेव करते हैं, जिनका जो बिहेवियर होता है, होते हैं ना बहुत सारे लोग जो बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए आप यूज करते हैं एफेबल वर्ड। ठीक है, सिनोनिम्स आर जीनियल, प्लेजेंट, फ्रेंडली, कॉर्डियल। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जीनियल का बताया था कि जीनियल मीन्स क्या होता है, मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी कि जीनियस होते हैं वो लोग जो दुश्मन और दोस्त दोनों से हंस के मिलते हैं। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर मैंने इसको बताया था। तो देखिए जीनियल का मैंने आपको बताया, तो वहां पे एफेबल भी मैंने आपको बताया था, एफेबल और वहां पे एफेबल और कॉर्डियल थे। ठीक है, तो जीनियल और कॉर्डियल दोनों ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं एफेबल वर्ड के। ठीक है, एंटोनिम्स आर हेटफुल, सर्ली, ग्रम्बलिंग। यहाँ पे ग्रम्बलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्ली तो इसका आंसर ही है, एफेबल का एंटोनिम क्या होगा, सर्ली। ठीक है, जो रूड पीपल्स होते हैं, तो सर्ली एंड ग्रम्बलिंग आर बोथ इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स फॉर एफेबल वर्ड। ओके, एग्जाम्पल इज एन एफेबल एंड एग्रीबल, एन एफेबल एंड एग्रीबल कंपेनियन। मतलब एक एफेबल मतलब क्या, एक मिलनसार और एक सहमत साथी। ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, एक मिलनसार और एक सहमत साथी। इसकी मेमोरी टिप है अफेक्शन प्लस एविल। देखिए आप इसको जब बोलते हैं एफेबल, ठीक है, ए अफेक्शन, देखिए ए डबल एफ से क्या स्टार्ट होता है, अफेक्शन, और अफेक्शन प्लस एविल। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अफेक्शन मीन्स क्या होता है, प्रेम, स्नेह को हम रिलेट करते हैं अफेक्शन से। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैसे रिलेट कर सकते हैं, अफेक्शन प्लस एविल। ओके, नेक्स्ट इज रूफली, रूफली का एंटोनिम। तो रूफली का एंटोनिम पूछा गया है, तो ऑप्शंस हैं चेयरफुली, रिग्रेटफुली, थॉटफुली, होपफुली। तो चेयरफुली मीन्स क्या होता है, हसमुख। रिग्रेटफुली मीन्स क्या होता है, अफसोस होता है किसी का, किसी चीज का। थॉटफुली मीन्स क्या होता है, सोच समझ के। एंड फोर्थ है होपफुली, मतलब आशा के साथ। तो इसका मतलब क्या होता है, रूफली मीन्स होता है इन अ वे दैट एक्सप्रेसेस सोरो और रिग्रेट, मतलब दुख और अफसोस जताना, स्पेशली इन अ राई और ह्यूमरस मैनर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अफसोस के साथ या उदासी से, तो उसको वहां पे हम यूज करते हैं रूफली वर्ड। ठीक है, अब इसका एंटोनिम पूछा गया है, तो इसका एंटोनिम जाहिर सी बात है, इसका एंटोनिम क्या होगा, चेयरफुली, मतलब जो हसमुख होते हैं। ठीक है, जो हमेशा हंसते रहते हैं, चाहे जैसी कंडीशन हो हंसते रहेंगे। तो सिनोनिम्स होते हैं सैडली, डिसमली, चेयरलेसली। यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, वो है सैडली एंड डिसमली। डिसमली इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सैडली एंड डिसमली, क्योंकि डिसमली का जो वर्ड है ये न्यूज़पेपर में यूज होता है, तो सैडली एंड डिसमली। ठीक है, एंटोनिम इज चेयरफुली।
ठीक है, जो हमने यहाँ पे मेंशन करा है। तो रूफली मतलब क्या होगा, चेयरफुली। देखो अगर रूफली को लर्न कर रहे हैं तो आप इसको प्रोनाउंशिएट कैसे करते हैं, रूफली मतलब रू मतलब पहले ही तो रोना आ गया, ठीक है। आपको पहले जब आप इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे तो बोलेंगे रूफली, मतलब पहले ही रोना आ गया, ठीक है। तो रोना मतलब अफसोस, किसी चीज का दुख होता है उसके लिए हम यूज करते हैं रूफली वर्ड, ओके। एग्जाम्पल इज प्लेयर्स रूफली अपोलोजाइज फॉर ब्रेकिंग द विंडो, मतलब प्लेयर्स जो खिलाड़ी थे उन्होंने विंडो को तोड़ने के लिए, खिड़की को तोड़ने के लिए क्या किया, वो अफसोस के साथ माफी मांग, ओके। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रोवर्ट। कॉन्ट्रोवर्ट का सिनोनिम पूछा गया था, चार ऑप्शन थे। पहला था सबवर्ट, सेकंड इंडिक्ट, थर्ड है कॉन्ट्रोडिक्ट एंड फोर्थ है कंफ्यूज। तो सबवर्ट मींस क्या होता है, सबवर्ट मींस होता है टू डिस्ट्रॉय, मतलब किसी चीज का नाश करना, किसी चीज का नाश करना उसको बोलते हैं सबवर्ट। सेकंड इंडिक्ट, जब आप किसी पे इल्जाम लगाते हैं, जैसे आप बोलते हैं कि तुमने इसका मर्डर कर दिया, या फिर आप कहते हैं कि तुमने मेरी ये चीज चुरा ली, तो वहां पे यूज करते हैं इंडिक्ट वर्ड, ठीक है। इंडिक्ट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है, सेम सबवर्ड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है। तो सबवर्ड मींस क्या होता है, टू डिस्ट्रॉय, ठीक है। थर्ड इज कॉन्ट्रेडिक्ट, जब आप किसी का विरोध करते हैं, जब आप किसी की बात का विरोध करते हैं, तो वहां पे आप कॉन्ट्रेडिक्ट वर्ड का यूज करते हैं। एंड फोर्थ है कंफ्यूज। कंफ्यूज मतलब क्या होता है, जब आप किसी बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब किसी बात से भ्रमित हो जाते हैं, तो वहां पे आप कंफ्यूज वर्ड का यूज करते हैं। कॉन्ट्रोवर्ट मीन्स होता है क्या है, कॉन्ट्रोवर्ट मीन्स होता है टू से और प्रूव दैट समथिंग इज नॉट ट्रू, मतलब आप जब कहते हैं कि ये चीज सही नहीं है, या फिर ये सत्य नहीं है, या फिर आप किसी चीज को प्रूफ करने की शर्त लगाते हैं कि देखो ये चीज सही नहीं है, सही ये है, और आप उसपे शर्त लगाते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम्स होते हैं कॉन्टेस्ट, कॉन्ट्रोडिक्ट, निगेट, कॉन्ट्रोवर्ट। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। फर्स्ट तो है आपका कॉन्ट्रोडिक्ट एंड सेकेंड है निगेट। निगेट बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, ठीक है। निगेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब भी है, ठीक है। तो कॉन्ट्रोडिक्ट एंड निगेट, तो कॉन्ट्रोडिक्ट तो आया भी है, तो कॉन्ट्रोवर्ट का सिनोनिम क्या होगा, कॉन्ट्रोडिक्ट, ठीक है। मतलब कोई चीज प्रूफ करना कि ये चीज सही नहीं है, उसका क्या है, कॉन्ट्रोडिक्ट, किसी का विरोध करना, ठीक है। विरोध करना एक बहुत ही सही मीन है इसका हिंदी में। एंटोनिम्स आर कंफर्म, एग्री, अप्रूव, एज यू नो दैट। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, अगर एंटोनिम बोला जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अप्रूव, ठीक है। तो कॉन्ट्रोवर्ट का इंपॉर्टेंट एंटोनिम क्या आ सकता है, अप्रूव आ सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल इज बिकॉज द प्रोफेसर इज एरोगेंट। एरोगेंट हम कहते हैं अकड़ू लोगों को, ठीक है, जो बहुत ही जिद्दी होते हैं उनको ही बोलते हैं एरोगेंट पर्सन है। तो बिकॉज द प्रोफेसर इज एरोगेंट, क्योंकि प्रोफेसर क्या है, अकड़ू है, ही इज नॉट विलिंग टू लिसन टू एनी आर्गुमेंट, वो कोई भी आर्गुमेंट सुनना पसंद नहीं करता, दैट माइट कॉन्ट्रडिक्ट हिज ओपिनियन, जो भी उसके ओपिनियंस को कॉन्ट्रडिक्ट करे, जो भी उसके ओपिनियंस का विरोध करे, ठीक है। नेक्स्ट इज स्प्लिटेड। स्प्लिटेड का सिनोनिम पूछा गया था, चार ऑप्शंस, एडमायरेबल, एडेप्टेबल, एडवांस्ड, आर्डेंट। एडमायरेबल मींस होता है सराहनीय, प्रशंसनीय। जब हम एडमायर बोलते हैं मतलब सराहना करना और प्रशंसा करना है। एडेप्टेबल मींस होता है कोई चीज अनुकूल होती है आपकी, मतलब आपके अकॉर्डिंग कोई कंडीशंस होती है तो वहां पे आप यूज करते हैं एडेप्टेबल वर्ड। थर्ड इज एडवांस। एडवांस्ड हम बोलते हैं डेवलप्ड चीजों को, मतलब जो चीज विकसित होती है, ठीक है, या फिर जो चीज डेवलप हो चुकी है उसके लिए आप यूज करते हैं एडवांस्ड वर्ड। फोर्थ इज आर्डेंट। आर्डेंट मींस होता है ईगो। ईगर मतलब उत्सुक लोग, जिनमें बहुत सारी एनर्जी होती है, फुल ऑफ एनर्जी होती है, उनमें बहुत ही करेजियस होते हैं, बहुत ही साहसी होते हैं, उत्सुक होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं आर्डेंट वर्ड। तो स्पिरिटेड का सिनोनिम पूछा गया है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हुआ, आर्डेंट, क्योंकि स्पिरिटेड मींस क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी, डिटर्मिनेशन और करेज, मतलब एनर्जी जिसमें बहुत सारी रहती है, डिटर्मिनेशन होता है, एक करेज होता है, साहसी होता है वो, तो इसलिए हम स्पिरिटेड का यहाँ पे सिनोनिम क्या होगा, आर्डेंट, ओके। इसके और एंड सिनोनिम्स कौन से हैं, विल। विल मतलब बोलते हैं इच्छा, विल पावर बोलते हैं ना, विल पावर बोलते हैं, तो मतलब इच्छा शक्ति, जिससे बहुत अच्छी विल होती है जिसकी, स्ट्रेंथ, फोर्टिट्यूड, आर्डेंट। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट है, एक है फोर्टिट्यूड, दूसरा है आर्डेंट। आर्डेंट यहाँ पे आया है, और फोर्टिट्यूड के दो मीन होते हैं, एक होता है पेशेंस, धैर्य, और दूसरा मीन होता है साहसी। तो जब आप यूज करते हैं धैर्य और साहसी, ये आप किसी के लिए अगर बोले कि धैर्य, इसके अंदर धैर्य भी बहुत है, इसके अंदर साहस भी बहुत है, तो वहां पे इसका दोनों का एक वर्ड है फोर्टिट्यूड। तो फोर्टिट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है। फोर्टिट्यूड के दो मीन होते हैं, एक होता है पेशेंस और एक होता है कोरेजियस, ठीक है। एंटोनिम्स आर इनएक्टिविटी, फियर, एपैथी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एंटोनिम जो है वो इनएक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे इनएक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है। तो इनएक्टिविटी इज एन इंपॉर्टेंट एंटोनिम फॉर स्प्लिटेड वोकैब, ओके। एग्जाम्पल इज अ स्प्लिटेड कैंपेनर फॉर वुमेन्स राइट, मतलब महिलाओं के राइट के लिए एक साहसी अभियान, ठीक है। कंपेनर हम बोलते हैं अभियान चलाने वाला, या फिर अभियान, ठीक है। तो एक साहसी अभियान, महिलाओं के अधिकारों के लिए एक साहसी अभियान, इसको याद कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है स्प्रिटेड, ये मुझे कुछ स्प्राइट जैसा दिख रहा है, देखो दिख रहा है आपको, स्प्राइट जैसा दिख रहा है, यानी स्प्रिटेड, यानी स्प्राइट पी के लोगों में क्या जाती है, एनर्जी आ जाती है, देख सकते हैं पिक में, स्प्राइट पी के
लोगों में एनर्जी आ जाती है, ठीक है, जैसे सानिया मिर्जा है स्प्राइट पी रही है तो स्प्राइट पी के लोगों में एनर्जी। नेक्स्ट इज एक्सीक्रेट। एक्सीक्रेट का सिनोनिम पूछा गया तो चार ऑप्शन है, कर्स, डिप्लोर, डिनाउंस, डेसिक्रेट। तो अब कर्स मीन्स क्या होता है, जब आप किसी को कोसते हैं, जब आप किसी के बारे में कुछ भला बुरा बोलते हैं, भला नहीं बुरा बोलते हैं, ठीक है, तो कर्स। सेकेंड इज डिप्लोर। डिप्लोर मीन्स क्या होता है, खेद प्रकट करना, जब आपको किसी चीज का दुख होता है तब वहां पे यूज करते हैं डिप्लोर वर्ड। थर्ड इज डिनाउंस। डिनाउंस मीन्स होता है आरोप लगाना, जब आप किसी पे किसी तरह का कोई इल्जाम लगाते हैं, ठीक है, तो आप उस पर कोई आरोप लगाते हैं। फोर्थ इज डिस्क्रेट। द डिस्क्रेट मीन्स होता है अपमान करना, जब आप किसी की इंसल्ट करते हैं तब वहां पे यूज करते हैं वर्ड डिस्क्रेट, ठीक है। तो एक्सीक्रेट मीन्स क्या होता है, एक्सीक्रेट मीन्स होता है टू से रूड थिंग्स, ठीक है, या कर्स। तो एक्सीक्रेट का सिनोनिम क्या होगा, कर्स। मतलब एक्सीक्रेट मीन्स क्या होता है कि नफरत करना किसी से, किसी को बुरा बोलना, ठीक है, कोसना, तो वहां पे हम यूज करते हैं एक्सीक्रेट। सिनोनिम्स आर हेट, डिसरेलिश, डिस्पाइज, एबोमिनेट, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, हेट भी इंपॉर्टेंट है, डिसरेलिश तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्पाइज, एबोमिनेट, ठीक है। तो इन सबका मीन क्या होता है, नफरत करना, ठीक है, या फिर किसी को बुरा बोलना। एंटोनिम्स आर एडमायर, एडोर, लाइक, प्रेज। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है, एक है प्रेज, दूसरा है आपका एडमायर। एडमायर मैंने आपको पहले बताया था, अभी इसके पहले ही वाले बताया मैंने एडमायरेबल, जब मैंने बताया था कि एडमायर मीन्स क्या होता है, सराहना करना, किसी की प्रशंसा करना, तो वहां पे एडमायर वर्ड का यूज करा था। तो एडमायर एंड प्रेज आर बोथ इंपॉर्टेंट एंटोनिम फॉर एक्सीक्रेट। एक्सीक्रेट मीन्स क्या होता है, नफरत करना। एग्जाम्पल इज इन हिज स्पीच द प्राइम मिनिस्टर एक्सीक्रेटेड द एक्शंस ऑफ द टेररिस्ट। अपनी स्पीच में प्राइम मिनिस्टर ने आतंकवादियों के एक्शन को कोसा, ठीक है। नेक्स्ट इज परक्यूसिट। परक्यूसिट का सिनोनिम पूछा गया था, चार ऑप्शन है, इंसेंटिव, प्रिविलेज, बोनस, रिवॉर्ड। अब यहाँ पे इंसेंटिव, बोनस, रिवॉर्ड ही कुछ एक जैसे टर्म लग रहे हैं, कुछ एक जैसे वर्ड लग रहे हैं, ठीक है। तो SSC साफ साफ कहता है कि जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि उसको बेस्ट एक्सप्रेस मीन चाहिए, मतलब हो सकता है कि चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं कुछ दूर जाके सेम से हो और आपको उसमें से वो सिलेक्ट करना है जो बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन हो, ठीक है। तो अब परक्यूसिट मीन्स होता है क्या, परक्यूसिट मीन्स होता है बेनिफिट विच वन एंजॉयज और इज एंटाइटल्ड टू ऑन अकाउंट ऑफ वन जॉब और पोजिशन। मतलब किसी की जॉब या किसी की पोजिशन होने का जो उसको एक्स्ट्रा राइट्स मिलते हैं या फिर जो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं परक्यूसिट, ठीक है। सिनोनिम्स आर प्रिविलेज, चार्टर, फैकल्टी। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, एक है प्रिविलेज, एक है चार्टर। तो प्रिविलेज इसका यहाँ तो दिया हुआ है प्रिविलेज, तो चार्टर इज अनदर इंपॉर्टेंट सिनोनिम फॉर परक्यूसिट वोकैब, ठीक है। सेकेंड एंटोनिम्स आर डिसएडवांटेज, लॉस। डिसएडवांटेज इज इंपॉर्टेंट एंटोनिम फॉर परक्यूसिट। सो सिनोनिम्स कौन से हैं, प्रिविलेज एंड चार्टर, एंटोनिम्स कौन से, डिसएडवांटेज, ठीक है, जब कोई लॉस होता है। एग्जाम्पल इज फ्री गैस अलाउंस इज अ परक्यूसिट ऑफ बीइंग अ सिटी कमिश्नर। मतलब सिटी कमिश्नर होने का एक्स्ट्रा फायदा क्या है, फ्री गैस अलाउंस मिलता है, ठीक है। मेमोरी टेपर्स को साइट अपने कस्टमर्स को एक्स्ट्रा पर्क मींस ऊपरी फायदा देती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, परक्यूसिट, क्योंकि पर्क जो होते हैं, पर्क क्या होते हैं, एक्स्ट्रा फायदा, जो अगर आप किसी कंपनी वर्क करते हैं तो वो कंपनी आपको एक्स्ट्रा पर्क देती है, मतलब एक्स्ट्रा अलाउंस देती है, किसी कोई आपको बेनिफिट्स देती है, तो वहां पे पर्क यूज होता है, तो यही पर्क है। हम जब बोलते हैं ना परक्यूसिट, तो इसमें क्या रहे, पर्क आ रहा है, तो हम बोलते हैं कुछ साइट्स, क्योंकि परक्यूसाइट, ठीक है, तो कुछ साइट्स अपने कस्टमर्स को एक्स्ट्रा पर्क देती है, मींस एक्स्ट्रा ऊपरी फायदा देती है, यानी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देती है। नेक्स्ट इज विरुलेंट। विरुलेंट का सिनोनिम पूछा गया था, ठीक है, इसके चार ऑप्शन है, डिफंक्ट, डेडली, डेयरिंग, डिसेप्टिव। तो डिफंक्ट मीन्स क्या होता है, डिफंक्ट मीन्स होता है कोई चीज मरी होती है या फिर मरा हुआ या फिर जो चीज खत्म हो चुकी है उसके लिए डिफंक्ट यूज करते हैं। सेकेंड डेडली, डेडली हम यूज करते हैं, अगर मैं किसका परफेक्ट इंग्लिश टर्म बोले तो वो है हार्मफुल, ठीक है, कोई चीज हार्मफुल होती है उसके लिए हम डेडली वर्ड यूज करते हैं, मतलब जो चीज घातक हो आपके लिए, डेंजरस हो। थर्ड है डेयरिंग, डेयरिंग करेजियस, साहसी। फोर्थ है डिसेप्टिव, डिसेप्टिव जो धोखा देने वाला, जो धोखा देता है उसके लिए डिसेप्टिव यूज करते हैं। तो इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली डेंजरस और हार्मफुल एंड क्विक टू हैव एन इफेक्ट, मीन्स डेडली, ठीक है, कोई भी चीज डेंजरस या हार्मफुल होती है तो हम उसके लिए विरुलेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम से इन्फेक्शियस, कॉन्टेजियस, पॉइजनस, डेंजरस, पावरफुल, डेडली। तो इसका आंसर क्या होगा, विरुलेंट का डेडली, ठीक है। तो विरुलेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डेडली, ठीक है, मतलब बहुत ही हार्मफुल कोई चीज होती है तो हम उसके लिए विरुलेंट का यूज करते हैं। तो एंटोनिम्स आर वीक, हार्म, वीक, हार्मलेस, गुड, प्लेजेंट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम्स हैं वो कौन कौन से हैं, पहला है आपका इन्फेक्शियस, दूसरा है आपका डेडली जो जो कि यहाँ पे पूछा ही गया, एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है पावरफुल, ठीक है।
तो पावरफुल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंटोनिम्स आर वीक, हार्मलेस, गुड, प्लेजेंट। इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स की बात करें तो वो है हार्मलेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट एंटोनिम है हार्मलेस। एग्जाम्पल इज ऑन द सोशल मीडिया द टोन इज विरुलेंट, वन आस्क्ड व्हाई शुड एवरी पॉलिसी बी अबाउट द पुअर, व्हाई इंडीड, ठीक है। तो व्हाई इंडीड मीन्स क्या होता है, क्यों भला, ठीक है। व्हाई इंडीड को हम बोलते हैं क्यों भला, अगर हम इसका पूरा बोले तो व्हाई इंडीड क्यों भला, ठीक है। तो ऑन द सोशल मीडिया, नहीं सोशल मीडिया पर द टोन इज विरुलेंट, मतलब तीखी टोन में। विरुलेंट मतलब क्या होता है, तीखी टोन में। एक ने पूछा, वन आस्क्ड व्हाई शुड एवरी पॉलिसी बी अबाउट द पुअर, ऐसा क्यों है कि सारी पॉलिसी सिर्फ गरीब लोगों के लिए ही है, ठीक है। तो ये उसने सोशल मीडिया पे पूछा, किसमें, तीखी टोन में। मेमोरी टिप इज वीरू ओपोनेंट टीम के लिए बहुत ही डेंजरस प्लेयर है। देखिए वीरू मतलब वीरेंद्र सहवाग, ठीक है। देखिए वीरेंद्र सहवाग इज अ क्रिकेटर, तो वीरू यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग को वीरू भी बोलते हैं, इनका शॉर्ट निकनेम है वीरू। तो वीरू अपोनेंट टीम के लिए क्या है, डेंजरस प्लेयर है। तो वीरुलेंट मतलब क्या हो जाएगा, डेंजरस या फिर डेडली, ठीक है, हार्मफुल। तो वीरू अपोनेंट टीम के लिए क्या है, हार्मफुल प्लेयर है। ओके ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड ऑनवर्ड्स ट्यूजडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अपलोड वीडियोज ऑन इरोस बेस्ड ऑन पास्ट योर पेपर्स, एंड आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियोज ऑफ वोकैब्स इन मॉर्निंग एंड इरोस वीडियोज इन द इवनिंग। ओके, सो अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक करिए हमारी वीडियो को, और सेकेंड चीज, आप जहां भी शेयर कर सकते हैं, यू नो देर आर मैनी प्लेटफॉर्म्स वेर यू कैन शेयर, सो प्लीज शेयर करिए, शेयर का बटन भी वीडियो के नीचे ही आता है अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो। थर्ड चीज, आप कॉमेंट करिए, हो सकता है मैं किसी कॉमेंट का आंसर नहीं दे पाता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं आपके कॉमेंट तक पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैं सारे जो प्रीवियस कॉमेंट्स होते हैं मैं सबको देखता हूँ, सबके कॉमेंट के आंसर्स भी देता हूँ, ठीक है। तो प्लीज कमेंट करके बताया करिए कि आपको कैसी लगी वीडियोस, या फिर जो भी हो, आपको जो भी कहना आप कह सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड लास्ट थिंग इज, अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे ये होगा कि हमारी कोई भी वीडियोस आप मिस नहीं करेंगे, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल नोटिफिकेशन होता है, अगर आप उस पर भी क्लिक करेंगे तो आपके पास हमारे सारे नोटिफिकेशन आएंगे। ओके, मेल पे भी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, तो वो भी बहुत ही शायद बेनिफिशियल चीज है कि कभी आप एग्जाम की कोई एनालिसिस हम करते हैं, हम बहुत सारी वीडियोस हम डालते हैं, तो वो आपसे कुछ छूट ना जाए, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही,